नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 45 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद हम लोगों में क्या बदलाव आने की संभावना रहती है। मात्र 45 दिन, बहुत अधिक नहीं। 45 दिन वैसे तो बहुत अधिक है नहीं और बहुत कम भी नहीं है, ऐसा भी मत मानिए। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर अंदर में ही हमें लगता है कि 70% लोग छोड़ देते हैं। जो आए 20 दिन के अंदर में छोड़ दिए, ये समझने का प्रयास करिए। 45 दिन तक जाने का मतलब ये है कि आप में परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा और आपको अनुभव भी होंगे। सर्वप्रथम पहले हफ्ते जब आपने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया, पहले हफ्ते से ही आपको अनुभव होने लगेंगे। पहले हफ्ते में ही आपको बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना होगा, सर्वप्रथम ये समझिए। अधिक दिक्कत पहले हफ्ते और लाभ बहुत कम दूसरे हफ्ते। दिक्कत थोड़ा बहुत कम होगा, लाभ वैसा ही रहेगा, लाभ बिल्कुल नहीं दिखेगा। मतलब 14 दिन 15 दिन तक आप ये समझिए कि आप में लाभ के चर्चा की जाए तो बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। सर्वप्रथम मेहनत की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, उसके बाद फल मिलेगा अपने आप। तो आप लोगों को क्या करना है कि 15 दिनों तक तो किए, कुछ नहीं मिला। ये समझिए कि मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं मिला, लेकिन मिलने को तो पहले दिन ही करेंगे तभी मिल जाएगा। पहले दिन में ही आपको आपके अंदर बदलाव होगा, परंतु वो आपको अनुभव नहीं हो सकता। इतने सूक्ष्म स्तर पर बदलाव होगा तो 15 दिन में बदलाव आपको नहीं दिखेंगे। जैसे ही 21 दिन होगा, 21 दिन के बाद आपको थोड़ा बहुत बदलाव दिखना प्रारंभ होगा। आपके अंदर क्या है कि बदलाव जो दिखेगा उस तरीके से आप देखें तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। आप सोचेंगे कि हाँ, मैं अब जैसे कि पहले जो कार्य मैं नहीं कर पाता था, आज वो कार्य मैं बिल्कुल आसानी से कर सकता हूँ। जो कार्य पहले आपको बहुत अधिक जैसे कि डर लगते थे करने में, वो कार्य आप आसानी से करने लगेंगे। इतना आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा मात्र 21 दिन में। अब आप ये समझिए कि आपके चेहरे पर तेज आना प्रारंभ होगा 30 दिन तक। 30वें दिन तक जब आप जाएंगे, ये नहीं कि बहुत अधिक, बहुत अधिक जाने के लिए तो फिर आपको लंबे वक्त तक, दीर्घकाल तक करना होगा, परंतु 30 दिन तक करने के बाद आपको ये अनुभव होगा कि हाँ, हमारे चेहरे में कुछ बदलाव हो रहा है। हमारा चेहरा पहले से अधिक सुंदर, आकर्षक और क्या कहते हैं कि मुलायम, जो कहते हैं कि दिख रहा है, टच करने पर लग रहा है, सिस्टम ये होगा, देखने में बहुत ही आकर्षित हो जाएगा। 30 दिन, 45 दिन जाते जाते आपके अंदर बल वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि जो चीज़ हम पहले उठा नहीं पाते थे, मात्र 45 दिन पहले जो आप नहीं उठा पाते होंगे, वो 45 दिन के बाद आप उठा सकते हैं आसानी से। आप इसे अनुभव कर सकते हैं। अनुभव ऐसे कर सकते हैं कि सर्वप्रथम आज जब आप ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए सोच रहे हैं, उसी समय आप 45 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, एक कुंटल, जितना भी जिनकी क्षमता है उस तरीके से उठाने का प्रयास करें। अगर वो उसे नहीं उठा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत उठा पा रहे हैं और बिल्कुल पूरा जान लगा दे रहे हैं और नहीं उठ पा रहा है, तो बस अब ये आप समझिए कि 45 दिन पालन करने के बाद आप उसी वजन को बिल्कुल आसानी से उठा पाएंगे। ये अपना स्वयं का अनुभव है। तो बल तो जो बढ़ेगा बढ़ेगा ही, ज्ञान निश्चित तौर पर आपका बढ़ेगा। आप आध्यात्म की तरफ जाने लगेंगे, आध्यात्मिक होते चले जाएंगे। और जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होगा, तब तक ज्ञान की संभावना है ही नहीं।